अस्सलाम वालेकुम। चलिए चलते हैं तुरई तोड़ने। देखिए ये तुरई अमरुद के पौधा में जो उलझी हुई थी उसे सब मैं हटा के इधर एल्वेस्टर में रख दी हूँ। इसमें तुरई हुई है उसको तोड़ लेती हूँ। इधर का मैं तोड़ ली हूँ, इसको बीज के लिए छोड़ दी हूँ। एक इस तरफ है, दूसरे जगह इसको भी तोड़ ले रही हूँ। ये देखिए बैंगन हुई है इस पौधे में, तीन बैंगन हुई है, इसको तोड़ लेती हूँ। ये भरता वाली बैंगन है, गोल बैंगन। इधर सादी वाली बैंगन है, लंबी वाली, तो इसमें जो बड़ी है उसको तोड़ लेती हूँ, जो अभी छोटी छोटी है उसे छोड़ देती हूँ। देखिए बैगन तोड़ ली हूँ, अभी सब छोटी है इसलिए छोड़ दी हूँ, बाद में तोड़ूंगी। अभी इधर देखिए भिंडी और हरी साग रोपी थी, और देखिए कितनी घनी हो गई है, भिंडी भी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इस साग को मैं तोड़ ले रही हूँ। और जितना खर पतवार है उस सबको भी उखाड़ लूँगी। खर पतवार को हटा लेती हूँ और साग सबको काट काट कर हटा ले रही हूँ। कुछ साग में कीड़ा भी लग गई है, इस तरह से काट कर हटा ले रही हूँ। जिसमें कीड़ा लग गई है उसे हटा दूँगी, जो अच्छी होगी उसे मैं बनाऊँगी। इतनी खर पर पतवार को हटा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से खरपतवार हटाकर इसमें मैं बर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ। थोड़ी थोड़ी एक लेयर बर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ। उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी। देखिए इस तरह से
मिट्टी डाल दे दे रही हूँ और शाम में इसमें पानी डालूंगी। देखिए इधर भी है हरी साग, यही भिंडी अच्छी चल रही है। देखिए आज की हमारी थोड़ी सी हार्वेस्टिंग, एक डगरा साग हुई है और तुरई तोड़ी हूँ। 5 तुरई है, 5 बैंगन है। अल्लाह हाफिज़।